dear friends, I am a man of education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The world requires the change. परीक्षा पास करने के लिए शिक्षा नहीं है सीएमएस की, कि हमने उन्हें नंबर बहुत अच्छे दिला दिए, 90% ले आए, 99% ले आए, या आईएएस हो गए, ये नहीं है। इससे बड़ी चीज़ है हमारी, और वो है कि हमें एक ऐसे इंसान बनाने हैं जो इस दुनिया में जो चारों तरफ हाहाकार है, मारामारी है, कत्लेआम है, खून खराबा है, इसमें परिवर्तन ला सकें, इसको एक कर सकें। एक दिन दुनिया एक करूँगा, धरती स्वर्ग बनाऊँगा, विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा, वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड, एक दिन दुनिया एक करूंगा। तो ये भावना बच्चे के मन में जमा देनी है, उसके संस्कारों में, उसके ख्यालात में बचपन से। और ये ख्यालात अब आप कहें कि गांधी जी का काम है देना, भैया मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। गांधी जी तो आपको दे दिए, अब आपका काम है बच्चों को देना। बच्चों को कभी कभी हम आ सकते हैं, साल में एक बार आपके यहाँ बच्चों से कुछ कह दें, लेकिन रोज़ाना तो आप ही को उन बच्चों से डील करना है। अब जो हम बताते हैं, यदि आपको ये बात पसंद आवे तो फिर आप उसे बच्चों को बताइए, क्लास शुरू होने के पहले बताइए, क्लास अंत के बाद बताइए, जब भी मौका लगे बताइए, प्रेयर असेंबली में बताइए, आप अपने कार्यक्रमों के माध्यम से तो सारे ये चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट आप करते हैं तो उसमें आप बता रहे हैं कि भैया अब ये यूनाइटेड नेशन जिसमें 5 वीटो पावर हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया और फ्रांस और इंग्लैंड, ये नहीं चाहिए हमको। हमें तो ऐसी पार्लियामेंट चाहिए जिसमें किसी को वीटो पावर न हो। 193 राष्ट्र मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, 192 राष्ट्र मिलकर कोई फैसला कर लें, वो नहीं मान्य होगा यदि एक वीटो पावर ये कह दे कि जी मैं नहीं चाहता, तो बस वही होगा जो एक चाह रहा। ये मतलब दुनिया दादागिरी से चल रही है। अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 कंट्रीज हैं जिनके पास मारक क्षमता है, मारने की क्षमता, न्यूक्लियर बम है बड़ी भारी तादाद में, ये दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, इनके पास पावर है, ये जो चाहेंगे वो होगा। मतलब दुनिया दादाओं के द्वारा चल रही है, तो ये हमारे स्कूल को मंजूर नहीं है। हमने कहा कि ये गलत है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और इसीलिए तो ये CMS क्यों चलाया जा रहा है। CMS में ये पढ़ाई लिखाई खाली के लिए नहीं है, इन बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं पढ़ लिख के भी योग्य बने और इतनी ऊंची सोचें। अब ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचेंगे, अब बनो महान, बनो महान, महान बनेंगे, रोके हैं किसी के भी रोके से ना रुकेंगे। अच्छा रोकता कौन है, हमारा मन, और कौन रोकेगा। दुनिया में हम क्या सोच रहे हैं ये तो हमारा मन ही जानता है ना। अब हमारे मन में कौन आ जाएगा, मन में तो केवल हम हैं या हमारे भगवान है, परमात्मा है। तो परमात्मा के निकट बैठ के हमें सोचना है, हे परमात्मा आज के लिए तू क्या चाहता है और मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या करूं, तो मुझे सहायता कर, तू मेरी सहायता कर, हेल्प मी। ओ परमात्मा तू मेरी सहायता कर जिससे कि मैं तेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूँ, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकूँ, तू जो चाहता है। अब परमात्मा आज क्या चाहता है, आज परमात्मा चाहता है एकता, तो दुनिया को एक कर सकूं। परमात्मा का भक्त बनने का आज का केवल एक ही उपाय है। रामचंद्र जी के जमाने में 7,500 वर्ष पूर्व आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आकर मानव जीवन को मर्यादा किया, मर्यादित किया, तो उस समय मूल्य था मर्यादा का कि मानव जीवन मर्यादित हो, वो आज भी जरूरी है। जितने भी दिव्य लोक से संदेश आते हैं वो एक बार आते हैं लेकिन युगों युगों के लिए वो जरूरी होते हैं। तो राम की मर्यादा तो सदैव उसकी आवश्यकता हमें रहेगी। तो मानव जीवन मर्यादित, कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें सब अवतारों से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ सामाजिक नियम के रूप में। नैतिक मूल्य तो बहुत हैं, सत्य, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहानुभूति, उदारता, तन मन की सफाई, चरित्र का बल, नैतिकता, विश्वास, पात्रता, त्याग, बलिदान, सेवा की भावना, सैकड़ों की तादाद में आध्यात्मिक गुण हैं जो गीता, रामायण, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, त्रिपिटक, किताब 1-10 में दिए हुए हैं। इनकी तो पुनरावृत्ति बार बार होती है, लेकिन
परमात्मा जिस युग काल और परिस्थिति में आता है तो परमात्मा का अवतार परमात्मा सृजित करता है, बनाता है, भेजता है या सृजित करता है। उस अवतार के माध्यम से एक ही परमात्मा अपना संदेश भेजता है उस जगह पे, उस भाषा में जहाँ पर कि अवतार होता है, जहाँ सबसे बड़ी कोई समस्या होती है वहीं पर वो आता है और वो ट्रांसलेट होता है, सारी दुनिया में पहुँचा चला जाता है। अब रामचंद्र जी को कोई पुस्तक तो नहीं मिली, इसलिए हिंदू धर्म में अर्ध अवतार मानते हैं। 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण जी की आत्मा में दिव्य ज्ञान आया गीता का, उसमें तो पूरा एक कंप्लीट सेट ऑफ स्पिरिचुअल लॉज आ गया, पूरा एक कंप्लीट सेट ऑफ लॉज, और वो गीता के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो गीता में जो ज्ञान दिया है उस समय के लिए न्याय, तो जो न्याय पर चलेगा वो समाज में समाज की सबसे बड़ी सेवा करेगा, जो न्याय के लिए काम करेगा। और उसके बाद 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध की आत्मा में एक और संदेश आया, सम्यक ज्ञान, सब बराबर है, ये किताब ये ऊंच नीच है ये उन्होंने कहा भाई ये गलत है, सब बराबर है, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया। तो उन्होंने कहा भाई ये ब्राह्मण बड़े ऊंचे हैं, क्षत्रिय उससे नीचे हैं, वैश्य उससे भी नीचे हैं, शूद्र उससे सबसे नीचे हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो समाज को बट जाएगा, समाज बंटवारा हो जाएगा, ये गलत है, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया। अब ये तो परमात्मा तो वो जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, न उसका कोई आदि है न तो कोई अंत है उसका, न तो उसका कोई नाम है, उसका कोई नाम नहीं है, नाम कौन रखे, उसका कोई माता पिता नहीं, कभी उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो नाम कहाँ से कौन रखेगा, फिर ये नाम क्या है। तो ये नाम तो लोगों ने महसूस किया कि सृष्टि को चलाने वाली कोई न कोई शक्ति है, कोई न कोई शक्ति है, तो लोगों ने उसकी इबादत करना शुरू किया। अब इबादत करने के लिए आसान तरीका पाया उसका कोई नाम ले ले, तो हिंदी जानने वालों ने उसका नाम भगवान ईश्वर परमात्मा कर दिया, उर्दू जानने वालों ने उसका नाम अल्लाह कर दिया, खुदा कर दिया, अंग्रेजी जानने वालों ने उसका नाम गॉड रख लिया, अरबी जानने वालों ने उसका नाम रब रख दिया, हर भाषा में उसका नाम अलग है, जर्मन में अलग, फ्रेंच में अलग, स्पेनिश में अलग, जितनी संसार की भाषाएं उन सब में लाखों भाषाओं में लाखों उसके नाम। अब ये पानी है, चाहे पानी कहिए, चाहे वाटर कहिए, चाहे आप कहिए, चाहे जल कहिए, इसके जितनी भाषाएं हैं उतने इसके नाम हैं। तो इसका कोई इस पर झगड़ा करेंगे हम पानी लेंगे कि वाटर लेंगे, अरे भाई पानी वाटर तो एक ही बात है, भगवान और अल्लाह और ईश्वर तो एक ही बात है, तो तेरा भगवान बड़ा है कि मेरा अल्लाह बड़ा है, अल्लाह भगवान तो दोनों एक ही बात है, उसके नाम तो भाषाओं का भेद है। तो ये एक खुदा है, एक अल्लाह है, उसने बनाई दुनिया है। इस दुनिया में आज इतनी चारों तरफ मारामारी, कत्लेआम, खून खराबा, जहाँ देखिए वहाँ आपाधापी, जहाँ देखिए वहाँ बर्बादी, सारा जातियों में संघर्ष, धर्मों में संघर्ष, आज हिंदू और मुसलमान के दंगे, हिंदू और सिखों के दंगे हो गए दिल्ली में। नानक जी की शिक्षा तो त्याग की है, सारी मानव जाति के लिए त्याग करे, नानक नाम चढ़दी कला, कब जब तेरे भाने सर्वत्र दा भरा, सबका भला करे तो किसी का बुरा न करे। माने इतना अज्ञान धर्म के बारे में, इसको कौन मिटाएगा। ये कहते हैं अरे हम क्या कर सकते, अरे आप, आपके पास बच्चे हैं उनकी जहनीत में डाल दो, गॉड इज वन, रिलीजन इज वन, मैन इज वन, ये जो दूरियां हैं ये गलत है, इन दूरियों से बचना है अपने आप को। और सारे धर्मों का पर्पज तो एक ही है, द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंगस्ट मैन। हर धर्म का उद्देश्य मानव मात्र की एकता, आपसी सद्भाव, इसके अलावा किसी धर्म का कोई उद्देश्य नहीं है। आप धर्मों को पढ़ें तो आप एंजॉय करेंगे, बाप रे बाप, हर धर्म में एक ही बात है। आप यदि कुरान की जो ये है, ये जो अजान देते हैं, यदि आप इसको पढ़ लें, इसकी हिंदी तर्जमा ले आइए, मार्केट में मिलते हैं, पूरा का पूरा वेद के वाक्य हैं। ईशावाश्यमिदं सर्वम, इस चराचर जगत का बनाने वाला ईश्वर एक है, एक खुदा ने दुनिया बनाई, एक अल्लाह ने दुनिया बनाई, एक खुदा के बंदे हैं, सबकी खिदमत हमें करनी है। तो ये कुरान में और गीता में एक भी शब्द का फर्क नहीं है, जरा भी फर्क नहीं है।
अब यही है कि कुरान तो अरबी में आई तो अरबी में तो आएगी, क्योंकि जहाँ पे कुरान नाजिल हुई वहाँ पे अरबी बोली जाती थी, और गीता जहाँ नाजिल हुई परमात्मा की दिव्य लोक से एनलाइटनमेंट आया तो वो संस्कृत में आया। तो संस्कृत और अरबी भाषा की वजह से हम अक्सर कितना बड़ा ज्ञान है, कहते हैं गीता जी हिंदुओं की, मुसलमानों की कुरान है। अरे भैया आप लोग टीचर सोच, जरा सोचना, खुदा तो एक है, दो तो है ना, क्या हिंदुओं का खुदा एक है, अलग है, और मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है? अरे एक ही खुदा है, ये सूरज है, तो क्या हिंदुओं का सूरज, मुसलमानों का सूरज, सिखों का सूरज होता है क्या? चाँद है तो हिंदुओं का चाँद सिखों, हिंदू और मुसलमान, एक दिन तो ऐसा होता है कि जिस दिन ईद का चाँद होता है उस दिन करवा चौथ भी होती है, चाँद देख करके उस दिन, दोनों का एक ही है, तो चाँद तो एक ही है ना। अब हिंदू का चाँद और मुसलमान का चाँद नहीं होता। वायु, जलवायु, ये जल वायु ये सबकी है, आसमान सबका है, धरती सबकी है, आकाश सबका है, पाताल सबका है। इस दुनिया में अरबों की संख्या में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच, जिनकी बातें, जिनके कार्य और जिनका जीवन संपूर्ण विश्व की एकता और विश्व शांति जैसे व्यापक उद्देश्य हेतु बलिदान एवं समर्पण की महान गाथा हैं। सौभाग्य से विश्व में एक ऐसा बिरला और अनोखा व्यक्ति है जिसे लोग डॉक्टर जगदीश गांधी के नाम से जानते और पहचानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्ष 1959 से एक अनोखे मिशन के लिए दिन भर कार्य करने के अलावा सोते वक्त भी चिंतन करता रहता है और इस मिशन की सफलता के लिए सदैव समर्पित रहता है। जी हां, डॉक्टर जगदीश गांधी का एकमात्र मिशन है विश्व एकता के द्वारा विश्व में शांति स्थापित करना। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जगदीश गांधी ने अति सीमित साधनों, शक्तिशाली दृष्टिकोण और अनेक आशाओं के साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। उद्देश्य था कि एक दिन सभी विद्यार्थीगण CMS के द्वार और प्रांगण से गुजरते हुए विश्व एकता और विश्व शांति के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर जगदीश गांधी एक सुप्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और विश्व के सबसे बड़े स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक हैं। CMS यानी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में CMS का नाम दर्ज है। वर्तमान में तकरीबन 55,000 छात्र छात्राएं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के 18 कैंपस हैं जो कि लखनऊ शहर के विभिन्न भागों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को वर्ष 2002 में शिक्षा के द्वारा शांति का प्रचार और प्रसार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन से सम्मानित किया जा चुका है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इस प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार को प्राप्त करने वाला समूचे विश्व और भारत का प्रथम विद्यालय है। प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के गोमती नगर प्रथम कैंपस में विश्व एकता सत्संग का आयोजन किया जाता है। इस सत्संग में सभी वर्ग और समुदाय के लोग सपरिवार सादर आमंत्रित होते हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी
पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी अतीत में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिकंदरा राव निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से विजय प्राप्त कर उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहे हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी को तमाम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजकीय पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय में डॉक्टर जगदीश गांधी ने एक विश्व शांति कार्यकर्ता और विश्व शांति दूत के रूप में अनेक देशों और प्रदेशों की यात्रा की तथा उन सभी स्थानों पर अपने विचारों और संदेशों से लोगों को जागरूक किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया नगर की कुंजी, फिलीपींस के प्रतिष्ठित गुइसी शांति पुरस्कार, जर्मनी का प्रतिष्ठित न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड और यूएसए का चेंज मेकर्स इनोवेशन अवार्ड, ये कुछ ऐसे सम्मान हैं जो कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने डॉक्टर जगदीश गांधी के सफल मार्गदर्शन में प्राप्त किए हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी को वर्ष 2009 में रूस के बशकीर स्टेट पेडागॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा डॉक्टर गांधी को संसार के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों ने अनेक मानक उपाधियां प्रदान की हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी का मानना है कि मानवता के अस्तित्व के लिए एक विश्व न्यायपालिका का सृजन एक अंतिम और एकमात्र उपाय है और इसीलिए विश्व के 2.5 अरब बच्चों तथा जन्म लेने वाली भावी पीढ़ियों के उज्जवल एवं सुरक्षित भविष्य के लिए उनके मार्गदर्शन में CMS के 55,000 विद्यार्थी विश्व एकता और विश्व शांति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी के मार्गदर्शन में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा चलाए जा रहे विश्व एकता और विश्व शांति अभियान का मुख्य आकर्षण है वर्ष 2001 से निरंतर आयोजित एक अत्यंत सफल विश्व न्यायतंत्र शिखर समारोह तथा विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें अब तक दुनिया के 126 देशों के 1,000 से भी अधिक माननीय न्यायाधीश और राज्यों और गणराज्यों के माननीय प्रमुख भाग लेते आ रहे हैं। Thank you.
chief guest, Mr. Brijesh Pathak, Minister for Law and Justice, Additional Energy Resource and Political Pension, Government of Uttar Pradesh, arrived to a rousing reception with school's Kanpur Road campus students playing the band. That modernization is diminishing the traditional form of culture and art. Therefore, it is our duty to preserve our rich cultural heritage for the upcoming generations. Joining us on our beautiful journey is our chief guest, Shri Brijesh Pathak, the Minister of Law and Justice, Uttar Pradesh Government. Ladies and gentlemen, a round of applause for him, please. A dynamic leader, he is instrumental in reforming the law and justice in Uttar Pradesh. He is indeed a shining beacon of light and hope for Uttar Pradesh. I would also like to welcome our respected founder manager, Dr. Jagdish Gandhi. Children's Academy, Mr. P.S. Sunil,
celebrate our cultural diversity, which binds us together in the bonds of love and brotherhood. After brutal wars, signing of peace treaties and cultural exchange programs are on the rise. We find agencies that encourage self-expression and tolerance through the use of music to bridge the gaps not only between nations but between individuals, who remind the world of the heritage of humanity. Let us look today and assess whether music can bring phenomenal transformations in the world. I throw the house open for discussion. Members, please raise your placards high for the opening statement. Yes, Member Nation France, you may address the assemblage. Thank you, ma'am. I come from a nation where the music of the French Revolution helped to inspire political subservience and moral changes in the citizens. This bridged the divide between the warring fractions of the society and created a strong social fabric. Shikshatmak Sanskritik Karikram Evam Chintan Hetu Vishwa Ekta Satsangi Aap Sabhi सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।